अभी यहाँ से निकले हैं हम ढाक विलेज की तरफ और कुछ लोग पंगड़चूला जाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ यहाँ पे क्वारी पास करके वापस आ जाएंगे। ये हमारे गाइड मेन पंगड़चूला है। ये आपका नाम? रंजीत भट्ट। रंजीत भट्ट जी, तो ये लेके जाएंगे हमें क्वारी पास तक और आगे कुछ लोगों को पंगड़चूला। और ये हमारी टीम है। सुबह 10 बजे निकले हैं, उम्मीद है कि 2-3 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे पहले कैंप पे खुला रहा। तो ढाक से शुरू करेंगे हम। ढाक से है ना हमारा दोस्त? कटसी गाँव। कटसी गाँव से ऊपर बुलिंग बुलिंग जाएंगे आज। अच्छा, फिर खुलारा टॉप और नेक्स्ट खुलारे के बाद कोई कुंवारी कोई पंगड़चूला। अच्छा अच्छा अच्छा, कुंवारी पास वाले निकल जाएंगे अलग लेफ्ट में हम। ये सामने वाली जो माउंटेन है ये द्रोणागिरी है, जहाँ से ये कहा जाता है कि हनुमान जी पर्वत उठा के लेके गए थे जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था। और यहाँ के लोग हनुमान जी को पूछते भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमारा पर्वत ले गए हैं तो हम क्यों पूछें, बिना पूछे शायद ले गए होंगे। चलिए कोई नहीं, तो ये हमारा द्रोणागिरी पर्वत और इधर त्रिशूल पर्वत देखने को मिलेगा अभी। और ये टॉप है पंगड़चूला टॉप, उधर उससे भी आगे, ये वाले से भी आगे जाकर पंगड़चूला टॉप आएगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। डे वन है अभी तो स्टार्ट किया है, प्रॉपर ट्रैक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कह रहे हैं आज तो सिर्फ 2 किलोमीटर ले जाएंगे। अभी देखिए कहाँ हमने जाना है एक्चुअली। वो जा रही हैं गाड़ियाँ उधर, छोटी छोटी गाड़ियाँ उधर जा रही हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है और ये और गाड़ियाँ आती हुई। तो सही रहा अभी तक का तो सफ़र, पूरी अपने तरीके से रेडी हैं हम इस ठंड के लिए। टेम्परेचर भी कह रहे हैं -15 के करीब रहेगा। अभी तो हम जोशीमठ से आ रहे हैं। जोशीमठ भी रात को बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा थी। पहुँचते लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्लाइम करेंगे, कैसे चढ़ेंगे चीज़ों को लेके, बट ठीक रहा। और ये ट्रैक शुरू हो गया है, यहाँ से इसकी शुरुआत है। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, आज इतना दूर भी नहीं जाना है। ये है पूरा टीम हमारी। कोडवर्ड क्या है हमारा? हाँ एक बार सब जोर से चला लें है ना? ठीक है 1 2 3 पे, ठीक है कोडवर्ड 1 2 3। इंटरेस्टिंग कोड नेम होने चाहिए। हाँ चढ़ते हुए आदमी मोटिवेशन मिले ना। ब्रेक लिया है यहाँ पे, व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बादल भी हो रहा है, स्नोफॉल का भी चांस बताया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी तक तो खैर कुछ खास थकान नहीं हुई है। वो है द्रोणा पर्वत, यहाँ से साफ दिख रहा है, बहुत स्नो है। ये उन गधों का सामान ले जाने, जब सामान नहीं रो सकते। बैग चेंज करना सामान नहीं, डायपर हुए अंदर तो ए? अच्छा ब्लॉग ठीक है, मैं कहूँ इसके साथ मेरी फोटो ले ली गई, कंपेयर करता हूँ मुझे। छोटा सा खेल बर्फ का। हाँ जी निशान लगाया जाए, कम ऑन। अरे ना ना ना, बर्फ नहीं है यहाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, छोटा वाला बनाओ। अब ये बदले का मामला है, निशाना मैं हट रहा हूँ, रुको मैं रेफरी हूँ मैं नहीं खेल रहा। अरे नहीं 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 नहीं, कैंप साइट आ गई है पहली वाली और यहाँ पे शुरू अपना काम। अरे नहीं नहीं, निशाने सेट नहीं हो रहे किसी के। ये मैच आप लोगों का है, मैं कैमरामैन हूँ।
नहीं मेरी गर्दन को, अरे 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 ये था ब्रिलियंट शॉट, अरे 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 चश्मा ही गिर गया। कोई नहीं कोई नहीं, होता है। अरे अच्छा आई ले जादू, मेरे पास भी थे दो ये, पर वो सारे टूट गए। हाँ मजनू भाई वाला, अरे यार वो मुझे चाहिए पता है, मजनू भाई वाला। अरे वो साला मिलता नहीं है, कहीं मिलता। और ये अपने ब्लॉगर साहब नीचे से आते हुए, हेलो करो हेलो। अरे मनीष भाई, एक्सट्रीम बाइकर, हेलो। आज आ गए हमारे, हाँ आई गए, और हम पहुंच चुके हैं गुलिंग टॉप। गुलिंग टॉप, इसको टॉप क्यों बोला फिर? गुलिंग टॉप कैंप है, टॉप। अच्छा टॉप नहीं, गुलिंग कैंप है ये तो अभी। और यहाँ टोटल अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है हमारे से, कहा तो गया था स्नोफॉल होगी बट अभी हो रही है। कितना सुंदर व्यू आ रहा है इस चीज़ का, कितना सुंदर, ये देखो कितना सुंदर, वाओ। तो स्नोफॉल एंजॉय करते हुए फाइनली किसी ट्रैक पे मुझे स्नोफॉल देखने को मिली है, अदरवाइज हर बार स्नो पड़ जाती थी, बाद में जाते थे इकट्ठी करने। आप देख रहे हैं और ये स्नो पड़ती हुई बहुत तेज तेज हो रही है, बहुत तेज। हाथ में भी देखो कैसे आ जाएगी, ये देखो छोटे 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 स्नो के दाने। स्नोफॉल का तो अलर्ट था बट इतनी हो जाएगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ देखिए पूरा टेंट स्नो में कवर हो चुका है, पूरा टेंट देखो, पूरे टेंट स्नो में कवर्ड है। अभी और पड़ेगी, ये देखो ये फ्रेश है। देखते हैं अब आगे का सफ़र कैसा रहता है, क्या होगा कैसे होगा, अभी के लिए तो खैर मज़ा आ रहा है। चलिए क्लियर ब्लैक आइस है, कितना क्लियर, जैसे ब्लैक आइस ब्लैक आइस बोलते थे हम। यहाँ है इसमें शूज़ रखते, कोई शूज़ यहाँ काम नहीं करेगा, कोई शूज़ कोई गेटर कोई स्पाइक्स कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं काम करेगा यहाँ, यहाँ सिर्फ नीचे जाएगा। आपको पता है टेंट की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या है? सबसे अच्छी की पता नहीं तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम स्नोफॉल से बचे हुए, हमारे ऊपर टक 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 आवाज़ें जरूर आ रही हैं लेकिन स्नो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। और सबसे बुरी बात ऐसे देखो कैसे 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 ज़बरदस्ती दो आदमी गिठा मार के पड़े हैं, यहाँ पर जगह ही नहीं है इतनी। कहते हैं एक आदमी का टेंट है इसमें दो आदमी सो जाओ। अरे 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 भगवान, ऐसे दिन किसी को दिखाया ना दिखाया भाई सबको दिखाया बहुत जरूरी है। तो आज का दिन क्लोजिंग में ही आ गया ऑलमोस्ट हमारा। हाँ। अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजे से हमारी इतनी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है कि ऑलमोस्ट अब तो ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं है, पूरे दिन में बाहर निकल नहीं पाए। एक रिज पे जाना था ना हमें, रिज पे था, यहाँ पे रिज पे जाना था हमें, तो वहाँ के लिए हम जब निकले तो स्नोफॉल फिर स्टार्ट ही हो चुकी थी, फिर वापस आना ज़्यादा बेटर। और प्रॉपर ब्लैक आइस देखी है, मैं वीडियो में डालूंगा अभी, प्रॉपर ब्लैक आइस है वो। तो आज हम पहुँचे हैं कुल्लारा, तो कल जाएंगे जी से कुछ नाम था ना घर से, जी काला जिंगला जुंगला है, पहले पड़ाव पे पहुंचे हम फुल्लारा, नहीं पहले पड़ाव नहीं, नाम तो याद होना चाहिए फुल्लारा। रुको, अरे यार नाम भूल गए, चलिए एक मिनट में मैं बताता हूँ, मैंने डाला हुआ है, मैंने भी देखा। अरे यार ये कैसे हो जाएगा, मतलब ये गलत बात है ना, ये तो बहुत गलत बात हो गई, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। गुलिंग टॉप, टॉप नहीं है गुलिंग है, तो गुलिंग हमारा यहाँ पे पैकअप होता है कल सुबह, हम अपना सारे इंतजाम कर करा के, नहाना तो नहीं है, ब्रश करना नहीं, ब्रश भी नहीं करना भाई। ब्रश भी नहीं करना, नहीं ब्रश गर्म पानी से कुल्ले करेंगे, ठीक है करेंगे चलो हम कर लेंगे, ठीक है हम करेंगे कुल्ले। और फिर इसके बाद हम निकलेंगे कुल्लारा, तो पहुंचना ही है कुल्लारा के बाद, क्योंकि भाई साहब हम नहीं चढ़ जाएंगे ऊपर, और हम आ जाएंगे कुंवारी पास करके नीचे और फिर अपने काम पर।
अगर पांगर चुरा कर्म ही पूजा है। अगर पांगर चुरा का व्लॉग देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। इनके डिस्क्रिप्शन में मैं भी डालता हूँ। हाँ, मैं कुछ कहना चाहते हो क्या? तो बंदोरी डाल देंगे हम, आपका लिंक भी डाल देंगे, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे।